हे गाइज, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, रियलमी एक्स सेवन सीरीज जो कि 4 फरवरी को लॉन्च हो रही है, इसको लेकर आप काफ़ी सारे वीडियो देख चुके हो, स्पेसिफिकेशंस आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज़ नहीं पता है वो इसका प्राइस। तो स्पेक्स को लेकर इस वीडियो के अंदर हम कोई भी बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले इस डिवाइस की प्राइस को लेकर, क्योंकि रियलमी एक्स सेवन का जो प्राइस है वो लीक हो चुका है। अब लीक हुआ है या फिर करवाया गया है आई एम नॉट श्योर, लेकिन फाइनली हमारे पास जो प्राइस पॉइंट है वो सामने निकल कर आ चुका है। ट्विटर के ऊपर एक पॉपुलर टिप्सटर गैजेट डेटा ने एक्सक्लूसिवली रियलमी एक्स सेवन का जो प्राइस है वो लीक कर दिया है। इवन प्राइस है नहीं, वहां पर उन्होंने रैम और स्टोरेज क्या होगा और उसमें आपको किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा ये भी यहां पर क्लियरली बता दिया है। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये वही टिप्सटर है जिन्होंने रियलमी एक्स सेवन का जो लॉन्च डेट है वो सबसे पहले रिवील किया था, तो इनके जो लीक्स होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं, तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर काफी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं। तो रियलमी एक्स सेवन 6GB 128GB का एक्सपेक्टेड प्राइस इन्होंने बताया है 20,000 रुपए और इस प्राइस के ऊपर ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। वहीं 8GB 128GB का जो प्राइस है वो है लगभग 22,000 रुपए और बॉक्स पैकेजिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग 24,000 रुपए का प्राइस पॉइंट है। मतलब 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में हमें मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट, एक सुपर एमोलेड पैनल, 64 मेगापिक्सल के कैमराज और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यार देखो, स्पेक्स के अकॉर्डिंग तो जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट एक छोटा सा डाउट है। आपको याद होगा Mi 10i का लॉन्च, जब Mi 10i लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले Amazon के ऊपर उसका जो प्राइस पॉइंट है वो कम्प्लीटली लीक कर दिया गया था, और जब डिवाइस लॉन्च हुआ था तो जो लीक प्राइस है उससे कम प्राइस के ऊपर इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो हो सकता है Realme भी ऐसा कोई प्लान कर रहा हो और जब ये डिवाइस लॉन्च हो तो हमें जो प्राइस है वो 1 से 2 हज़ार रुपये कम देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो भाई सच में मजा आ जाएगा और ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्च के बाद इनका जो प्राइस है वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक बैंक ऑफर देखने को मिलेगा, तो प्राइस जो है 1 से 2 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। तो उसके बाद 6GB 128GB लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये के आसपास हमें मिल जाएगा और जो 8GB 128GB वेरियंट होगा वो लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये के पास पड़ेगा। तो अगर इस प्राइस पॉइंट पर ये डिवाइस आता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेट्स सी 4 फरवरी को क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग रियलमी X7 का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए और किस प्राइस पॉइंट पर अगर X7 आता है तो आप उसे बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। तो रियलमी X7 के प्राइस पॉइंट को लेकर इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।